छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, जुलूस, रैली आदि राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण की घटती दर को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि गतिविधियों में पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील प्रदान किया है, लेकिन धरना, जुलूस, रैली, सभा प्रदर्शन आदि राजनीतिक गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध यथावत रखा गया है। इसी कड़ी में स्वाभिमान मंच के द्वारा बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुँचकर दुर्ग जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि कलेक्टर के इस आदेश पर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राजकुमार कुमार गुप्त ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया, इसे शासन प्रशासन का भेदभावपूर्ण कार्रवाई निरूपित करते हुए कहा कि ये अजीब बात है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से सैकड़ों की भीड़ जुटने से कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है, किंतु 25-50 की संख्या में धरना प्रदर्शन आयोजित करने से संक्रमण फैलने का खतरा है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने शासन प्रशासन को आगाह किया है कि वह विरोध प्रदर्शन करने के संविधान प्रदत्त अधिकारों को दमन के लिए महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियमों का दुरुपयोग न करे, अन्यथा धरना पर प्रतिबंध के खिलाफ ही धरना देने विवश होना पड़ सकता है। वही छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर राजनैतिक और ट्रेड यूनियन गतिविधियों जैसे धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, सभा आदि पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलेक्टर साहब ने कोरोना संक्रमण के संबंध में संशोधन आदेश जारी किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक अन्य आदि गतिविधियों में उन्होंने छूट प्रदान किया है, लेकिन धरना, जुलूस, प्रदर्शन, रैली, सभा आदि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, ट्रेड यूनियन गतिविधियां हैं, किसान संगठनों की गतिविधियां हैं, इस पर प्रतिबंध यथावत लगाया गया है। हम इससे सहमत नहीं हैं। ये भेदभाव का कदम है और संविधान ने जो हमें विरोध प्रदर्शन करने का जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार पर जिला प्रशासन दमन कर रही है। तो हमने आज कलेक्टर के अनुपस्थिति में एडिशनल कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू को हमने ज्ञापन दिया है, मांग किया है कि जिस प्रकार अन्य गतिविधियों में छूट प्रदान किया गया है, वैसे ही ट्रेड यूनियन राजनीतिक गतिविधियों को भी छूट दिया जाए, अन्यथा हम धरने में प्रतिबंध के खिलाफ धरना देने के लिए बाध्य हो जाए। जो कल कलेक्टर साहब ने संशोधन आदेश जारी किया है, उसमें 100-200 से कम संख्या में यदि किसी कार्यक्रम में उपस्थिति होती है, भीड़ होता है, तो निकटस्थ थाना में सूचना देना है। 200 से ज़्यादा की यदि संख्या होती है तो संबंधित SDM से अनुमति लेना है। हमें जिला प्रशासन के बुद्धि पर तरस आता है। 10 आदमी, 20 आदमी, 25-50 आदमी का धरना में संक्रमण फैलेगा और 200 आदमी या 200 से ज़्यादा आदमी SDM को परमिशन से भी भीड़ करते हैं तो उस भीड़ में संक्रमण नहीं होगा। मुझे जिला प्रशासन की बुद्धि पर तरस आता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।